फोर पिन का कनेक्टर हमने लगा दिया और यहाँ से पावर को मैंने फिर से प्लग किया और इस बोर्ड को जब ऑन कर रहे हैं, देख रहे एक बार फैन ये क्या कर रहा है, मूव कर गया और उसके बाद ये बंद हो गया। तो यानी इस केस में अगर ऐसा फॉल्ट आपका आता है कि फोर पिन कनेक्टर लगाते ही बोर्ड अगर डेड हो जाता है यानी ऑन नहीं होता, तो उस केस में जो आपका फॉल्ट होता है वो VRM सेक्शन में होता है। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं अपने डेस्कटॉप के लैब में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फिलहाल मैंने बताया VRM सेक्शन, क्योंकि VRM सेक्शन से ये प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप किस तरीके से इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो बोर्ड लाए हैं, आपका क्या नाम है? सोनू नाम है। कहाँ से लाए बोर्ड, क्या दिक्कत था इसमें? सर मैं इसको नेहरू प्लेस से परचेज किया था। अच्छा, तो सर मुझे पता नहीं था क्या फॉल्ट है। तो ये आप ऐसे ले आए हैं? जी सर। तो इसमें जो अभी आपका किस चीज का बैच चल रहा है? सर मेरा डेस्कटॉप का कार्ड लेवल। कार्ड लेवल का, तो अभी तो डेस्कटॉप का क्लास में तो हुआ नहीं, ये कार्ड लेवल में मिला फॉल्ट। ओके, तो इन्होंने ऑलरेडी पहले कार्ड लेवल में देखा, अच्छे से क्लियर करके देखा, नहीं हुआ तब जाकर के ये डेस्कटॉप के जो लैब में है वो बोर्ड को लेकर के आए हैं रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से अगर ऐसा बोर्ड आता है तो किस तरीके से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ASMPS लगा हुआ है और ये बोर्ड जो है अभी यहाँ पे मैं इसे ऑन करता हूँ। देखिए ये ऑन हो चुका है और इसमें अगर 4 पिन का जो ATX कनेक्टर है वो मैं रिमूव कर रखा हूँ। अभी देखिए मैं 4 पिन के ATX कनेक्टर लगा करके उसके बाद मैं चेक कराता हूँ। देखिए 4 पिन का कनेक्टर हमने लगा दिया और यहाँ से पावर को मैंने फिर से प्लग किया और इस बोर्ड को जब ऑन कर रहे हैं, देख रहे एक बार फैन ये क्या कर रहा है, मूव कर गया और उसके बाद ये बंद हो गया। तो यानी इस केस में अगर ऐसा फॉल्ट आपका आता है कि 4 पिन कनेक्टर लगाते ही बोर्ड अगर डेड हो जाता है यानी ऑन नहीं होता, तो उस केस में जो आपका फॉल्ट होता है वो VRM सेक्शन में होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि VRM सेक्शन को अब किस तरीके से चेक करेंगे, कि कैसे हम पता करेंगे कि क्या चीजें इसमें फॉल्ट है। तो सबसे पहले हमें इसका कनेक्टर को रिमूव करना पड़ेगा और इस कनेक्टर को भी हम रिमूव कर लेते हैं इसमें से, और उसके बाद जो है इसमें से फैन को रिमूव करना पड़ेगा। तो फैन जो है दोनों साइड जो स्क्रू होता है हमेशा क्रॉस में ही ओपन करना चाहिए आपको, और तो दोनों साइड से प्रॉपर खोल करके बाहर को फैन को निकाल लेना है। ऐसा ना हो कि पूरा एक साइड का, जब तक पूरा ओपन ना हो तब तक एक ही साइड का खोलते रहे, तो दोनों साइड का बराबर खोले और तो अच्छे से आपका CPU रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसका फैन और ये हमारा ओपन हो गया। बाकी और सारे हमारे पास कोर्सेस हैं, तो वो अगर आपको करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास लैपटॉप, डेस्कटॉप, ई व्हीकल्स एंड ACPCB मैकेनिकल, और भी आपके पास जो CCTV हो गया, ये सारे कोर्सेस आप हमारे पास से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फिलहाल देख रहे हैं CPU पे काफ़ी सारा यहाँ पर डस्ट है और इसमें जो है डस्ट को तो बाद में हम क्लीन कर लेंगे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ फॉल्ट। तो ये है देखिए मल्टीमीटर, मल्टीमीटर के जरिए मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से इसको चेक किया जाएगा। अब यहाँ से 2 प्रोब है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सबसे पहले जो ये 4 पिन का कनेक्टर है इसमें से क्या होता है, जिधर ये नोक बना हुआ है इस तरफ जो होता है आपके पास रेड 12 वोल्ट का होता है और इधर जो होता है 2 पिन वो ग्राउंड का होता है। तो इसको जब यहाँ पे हम टच करते हैं तो ये देखिए ग्राउंड तो ग्राउंड से बीप करेगा ही, और ये जो है पॉजिटिव का पिन है जो कि ये भी क्या कर रहा है, ग्राउंड से बीप कर रहा है। तो यानी इसके अंदर क्या है कि 12 वोल्ट का इसमें शॉर्टिंग है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर मान लीजिए कि आप कहेंगे कि CPU को रिमूव कर लीजिए, क्योंकि CPU को रिमूव करने से कुछ नहीं होता है इनपुट का, तो क्योंकि ये इनपुट का शॉर्टिंग है, आउटपुट का होता तब हम CPU को रिमूव करते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, देख लीजिए, है ना, यानी CPU तो हमारा सेफ है लेकिन यहाँ पर इनपुट में शॉर्टिंग है। तो इनपुट में देखिए सबसे पहला तो इसमें हमें ये पता करना पड़ेगा, देखिए एक ये मेन MOSFET है तो 2 सपोर्टिंग मेन MOSFET को पहचानना सबसे आसान, जितने इसमें कॉइल लगे होंगे, जितने कॉइल देख रहे 1 2 3 4 यानी 4 इसमें मेन MOSFET होंगे,
ठीक है। और एक मेन मॉसफेट के साथ दो सपोर्टिंग होगा, एक मेन के साथ दो सपोर्टिंग, एक मेन के साथ दो और एक मेन के साथ दो सपोर्टिंग होता है। तो इस क्वाइल के जरिए भी आप पहचान सकते हैं कि कितने इसमें इनपुट क्वाइल होंगे। तो अब यहां से मैं आपको चेक करके बताता हूं कि इसमें मॉसफेट को हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा मॉसफेट शॉर्ट है। तो देखिए ये दोनों जो मॉसफेट है ये सपोर्टिंग मॉसफेट है, तो इसमें हम पता करेंगे कि ये यहां से देखेंगे ये बीप नहीं कर रहा है, ये बीप नहीं कर रहा है, ये देखिए बीप कर रहा है, जो कि इस मॉसफेट को बीप नहीं करना चाहिए। ये सपोर्टिंग मॉसफेट गेट और सोर्स दोनों ही इसका बीप कर रहा है, यानी एक मॉसफेट का तो यहां पर दिक्कत बता रहा है। और इस मेन मॉसफेट को चेक करते हैं, देखिए ये 0-0 का रीडिंग आ रहा है इसमें, और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी ग्राउंड से बीप कर रहा है, ये भी ग्राउंड से बीप कर रहा है, यानी सारे के सारे पिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके ग्राउंड से बीप कर रहे हैं। तो इसको एक बार डिस्चार्ज करके एक बार चेक कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी भी बीप ही कर रहा है, ये भी बीप कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो इस तरीके से ये कई सारे इसमें जो है शॉर्टिंग बता रहा है, लेकिन सारा शॉर्टिंग इसमें है नहीं, तो हमें इसमें से देखना पड़ेगा कि कौन सा मॉसफेट शॉर्ट है। तो इसमें देखिए ये भी मेन मॉसफेट है और ये भी मेन मॉसफेट है, तो मेन मॉसफेट का जो शॉर्टिंग है उस शॉर्टिंग को आप रिमूव करने के लिए, तो देखिए सबसे आसान तरीका है शॉर्टिंग रिमूव, अगर आपके पास डीसी पावर सप्लाई है तो सप्लाई डाल करके आप इसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास डीसी पावर सप्लाई नहीं है तो आपको मैन्युअली एक एक करके चेक करके उसको रिमूव करना पड़ेगा। देखिए इसको बोलते हैं डीसी पावर सप्लाई, जो कि हम डीसी पावर सप्लाई भी रखें, तो इसको क्या करना है 12 वोल्ट पे आपको सेट कर लेना है, 12 वोल्ट पे इसको यहां से सेट कर लेना है, और यहां से आउटपुट का बटन होता है इसको प्रेस कर देना। देखिए अब इसमें से एक पिन को क्या करना है ग्राउंड पे लगा देना है आपको, एक पिन को इसमें से ग्राउंड पे लगा देना है। तो ग्राउंड के लिए मैं यहां से स्टार्ट किया, तो मैं हल्का सा क्या करता हूं कि नहीं तो कई बार क्या होता है कि इसको छूने से हाथ भी बर्न हो जाता है, तो इसमें क्या करता हूं थोड़ा सा पेस्ट लगा देता हूं सभी मेन मॉसफेट पे, जिससे क्या होगा कि जो भी अगर हीट होगा मॉसफेट तो वो गर्म कर देगा, इस पेस्ट को पिघला देगा। अब देखिए तो इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले मेन मॉसफेट को देखते हैं इसमें से। अब देखिए अदरवाइज मैं फिंगर लगा लेता हूं, इसको क्या करना हल्का सा एम्पियर को बढ़ा लेना है, एम्पियर को जो 3 एम्पियर पे है इसको मैं 5 एम्पियर कर देता हूँ। तो अभी इसमें कोई भी चीजें हीटिंग अब यहाँ पे जो हमने चेक किया है, देखिए यहाँ पर जो ये मॉसफेट लगा हुआ है ये देखिए मॉसफेट पे पेस्ट लगाते ही पेस्ट क्या हो जा रहा है पिघल जा रहा है, ये देखिए ये इस पे हमने लगाया इसको देख रहे लगाते ही क्या हो रहा है ये पिघल जा रहा है, यानी ये दो मॉसफेट जो है हमारा हीट कर रहा है, यानी ये दोनों सपोर्टिंग मॉसफेट है। अगर इसको हम रिमूव कर दें, क्योंकि ग्राउंड से इस केस में क्या होता है मेन मॉसफेट कम शॉर्ट होता है क्योंकि ग्राउंड से बीप हुआ, अब ग्राउंड से बीप हुआ तो ये क्या होता है जब शॉर्ट हो जाता है तो इस सप्लाई के साथ ये ऑन होने के बाद ये जीरो हो जाता है, जिस वजह से ये ग्राउंड से बीप करने लगता है। अब इन दोनों मॉसफेट को हमें क्या करना होगा रिमूव करके चेक करना होगा, तो अब देखेंगे मैं रिमूव करके चेक कराता हूँ। इस पर पहले हल्का सा क्या करना है पेस्ट लगा लेना है आपको, हल्का सा पेस्ट लगा लेना है और इसको नॉर्मल हीट करना है, जब देखेंगे पिनों में चमक आ जाए तो इस मॉसफेट को आराम से उठा लेना है यहां से। अब इस तरीके से आपको सोल्डिंग रिसोल्डिंग भी अच्छे से करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे देखने लग रहा है पहले भी किसी ने इस पे काम किया है, देखने काम किया हुआ है पहले से इस पे, और मुझे लग रहा है पहले भी नहीं हुआ है
तो छोड़ दिया गया है इसको। तो इस MOSFET को भी अच्छे से निकाल करके हमें चेक करना पड़ेगा। अब जैसे ही ये रिमूव हो गया तो अब हमें दोबारा से इसके 12 वोल्ट के कनेक्टर को एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे, अभी देखिए शॉर्टिंग इसमें से रिमूव हो चुका है, और ये शॉर्टिंग हमारा क्या हो गया, बोर्ड में से रिमूव हो चुका है। यानी अब कनेक्टर लगाने के बाद बोर्ड ऑन हो जाएगा। बट लेकिन ये गारंटी नहीं है कि अगर, क्योंकि इसमें से ये MOSFET भी हमें लगाना पड़ेगा, और इसके पास में जो ये रजिस्टर लगा हुआ, जरा मैं इसको भी चेक कर लूँ। रजिस्टर वगैरह तो ठीक है, क्योंकि इसमें पहले मुझे सप्लाई लगा करके गेट का सप्लाई मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो डायरेक्टली फिर हम लगाएंगे तो फिर हमारा हो सकता है MOSFET शॉर्ट हो जाए। तो पहले एक बार क्या करना होता है, इसको कंफर्म कर लेना होता है, नहीं तो फिर दोबारा आप लगाएंगे दोबारा शॉर्ट हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत होगी। ठीक है, अब यहाँ से मैं दोबारा ये सप्लाई लगा देता हूँ और दिखाता हूँ कि बोर्ड ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ और बोर्ड को यहाँ पर ट्रिगर करते हैं। अभी ये बोर्ड जो है देख रहे हैं ट्रिगर ख्याल से नहीं हुआ है, तो इसको दोबारा से ऑन करेंगे। यानी बोर्ड ऑन हो करके ऑफ हो जा रहा है। तो रैम का मिसिंग है, रैम का देखिए यहाँ का जो MOSFET था, ये तीनों MOSFET हमने इस तीनों MOSFET को यहाँ से रिमूव कर दिया है फिलहाल। और यहाँ पर देख रहे 3 बीप का एरर आ रहा है, तो इसमें रैम मुझे लगाना पड़ेगा। तो रैम भी पता नहीं ओके है या फॉल्टी है, क्योंकि ये बोर्ड स्क्रैप से लाए हैं खरीद के और ट्रेसिंग करने के लिए, और तो हम इसको सोच रहे थोड़ा सा रिपेयर करें इसको। तो बाकी इसमें देखते हैं, और ये हमारे बोर्ड में डिस्प्ले आ गया है। ठीक है, तो इस बोर्ड में हमारा डिस्प्ले आ चुका है। तो इस तरीके से आप बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। तो बाकी मैं दिखाता हूँ, अगर मॉनिटर है हमारे पास कीबोर्ड, तो कीबोर्ड पे मैं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मॉनिटर तो खुला हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको कीबोर्ड पे डिस्प्ले दिखा पाऊंगा। देखिए यहाँ पर कीबोर्ड में डिस्प्ले आ चुका है, दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये CPU हीट हो गया है तो इसीलिए CPU का एरर है ये। तो थोड़ा सा फैन लगा देते हैं, उसके बाद मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ कि मैं इसमें VGA केबल लगाता हूँ, और मैं आपको डिस्प्ले भी दिखाता हूँ। इसको ऑन कर दिया है, अभी नहीं तो आया, अभी तो आया नहीं है। आए यहाँ पे डिस्प्ले भी आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं डिस्प्ले भी आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे पास जो डेस्कटॉप की क्लास होता है या लैपटॉप की क्लास होता है, जितने भी हमारे पास क्लासेस होते हैं, वो सारे के सारे प्री प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं। जो भी अब इसमें से देखेंगे, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, प्रिंटर है, ई व्हीकल्स है, और AC PCB है, और हमारे पास मोबाइल फोन, MMC, ये सारे कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। इसमें से अगर कोई भी आपको कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और देन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।